गंजाम कोदला थाना अंतर्गत भूत सरसिंह ठारे कार्यरत विद्युत कर्मचारी मृत्यु घटना क्षतिपूरण दाबी परिवार सहित स्थानीय लोकों पक्ष मुख्य रास्ता अवरोध कर गतकाली विद्युत खुंट में चढ़ा बेले मृत्यु होता सूचना मिली। मृतक होती गंजबला गांवर अमूल्य रत्न नाहक घटनार 24 घंटा पर भी एजाए पहुंचना टाटा पावर कर्मचारी घटनास्थल में कोदला पुलिस पहुंची लोकों बुझासुझा कर टाटा पावर अधीन ठिका कर्मचारी भाव किस से कार्यरत रही अमूल्य रत्न नाहक जे ठिका कर्मचारी भाव काम करते गत काली विद्युत खुंटे विद्युत आघात मृत्यु होता जहाँ सूचना मिली कि घटनार 24 घंटा पर भी घटनास्थल में पहुंचना टाटा पावर कर्मचारी जहाँ लोकों भितर बेस क्षोभ देखा मिली जहाँ से रास्ता अवरोध भी करपटे घटनास्थल में पुलिस पहुंची उत्त्यक्त लोकों बोझासुझा करुच्ची अमूल्य रत्न नाहक जेकि ड्यूटी थी समय अघटन घटी जाता सहित किंतु दुखर विषय कि एपर्त कंपानी कर्तृपक्ष ना कौन जिला प्रशासनिक अधिकारी मैंने घटनास्थल में पहुंची ना पर सांत्वना दे कौन प्रकार बर्तमान सुधा घोषणा कर सहायता तेरे जहाक स्थानीय लोके बर्तमान उत्त्यक्त होती पुलिस घटनास्थल में पहुंची उत्त्यक्त लोकों बुझासुझा कर संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि गणेश डाकुआ रही गणेश अमूल्य रत्न नाहक जिकि कार्यरत थिबा समय विद्युत आघात मृत्यु होती घटना को 24 घंटा बीतला किंतु ना टाटा पावर कर्मचारी ना कौन जिला प्रशासनिक अधिकारी पहुंच भी ना तो बर्तमान स्थिति केमती रही केमी मृत्यु है अमूल्य रत्न अमूल्य सुनी पार अमूल्य पूरा घटना कौन रही केमी अमूल्य रत्न विद्युत आघात मृत्यु हेलो सुनी पार गणेश पूरा घटना केमी रही गणेश कारण देखो पूरा शोकाकूल परिवेश परिवार लोके मानने आत्मीय को हरई जो बर्तमान कांद मोबाइल फाटी पड़ चुकी अंचल पूरा घटना कौन रही गणेश देखंतु निश्चित भाव में जो भाव में आमर ये वर्तमान गत काली विलंबित संध्या समय से विद्युत खुंट को चढ़ी सेठाकर मृत्यु घटी जेहेतु टाटा कंपानी कहवाक गल अवहला टाटा कंपानी अवहलता जो सी विद्युत सराफर बंद नक चढ़ाई दीजाइला और सेठे मृत्युवरण मत सांगे सांगे होता और सेठू मेडिकल कोदला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को अणाइला सेठे एवं पर्यटन 17 घंटा पूर्व ना टाटा कंपानी कौन से अधिकारी पहुंची ना प्रशासन पहुंची जहां फल पर ग्रामवासी पक्षर को आज कोदला भुवनेश्वर मुख्य रास्ता को शब रखी से प्रतिरोध कर घटनास्थल में पुलिस पहुंची और से बुझासुझा करुँ निर्मा।